हाय गाइस एंड वेलकम टू सोनीस वर्ल्ड फ्रेंड, आज हम देखेंगे कि हम घर पे कलौंजी का तेल कैसे बना सकते हैं। वैसे तो मार्केट में कलौंजी का तेल इजीली अवेलेबल होता है और मिल भी जाता है, बट ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। मतलब कि इतनी सी शीशी आप लेने जाएंगे तो आपको 150 के आसपास की पड़ेगी, बहुत कम क्वांटिटी में होता है। बट आप घर में बहुत इजीली तरीके से आप कलौंजी का तेल बना सकते हैं और कलौंजी के बहुत फ़ायदे होते हैं। कलौंजी हमारे बालों को बहुत लंबा करती है, घना करती है, और अगर आपके बाल सफ़ेद होने लग गए हैं तो आपके सफ़ेद बालों को काला करती है, बहुत अच्छा होता है। फिर से अगर आपके बाल नहीं है तो फिर से आपके बालों को ग्रो करने में हेल्प करती है। और अगर आपके गंजापन है बालों में या बाल्ड पैचिस है, बाल्डनेस है, बहुत सारे लोगों के होते हैं कि जगह जगह पे बाल कम होने लगते हैं, पैचिस गंजेपन के पैचिस पड़ जाते हैं, बाल्ड पैचिस बोलते हैं उसे, वो पड़ जाते हैं, तो उसको कैसे हम क्योर कर सकते हैं, वो भी नेचुरल तरीके से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो भी केमिकल जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं हेयर प्रोडक्ट्स, उससे आप दूर रहें, जैसे सीरम और जेल वगैरह, ये से दूर रहें। तो नेचुरल तरीके से ही अपने जो भी आप शैम्पू वगैरह मैंने शेयर किया है वो लगा सकते हैं, बहुत सारे मैंने कंडीशनर किए हैं वो लगा सकते हैं। तो नेचुरल तरीके से अगर आप ज़्यादा अपने बालों को अच्छे से वो करेंगे, क्योर करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा होगा बजाय कि केमिकल मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट के। तो आज हम बनाएंगे घर पे कलौंजी का तेल, जो बनाना बहुत ईजी होता है। तो स्टार्ट करते हैं कि हम कलौंजी का तेल कैसे बना सकते हैं, कलौंजी हेयर ग्रोथ ऑयल और कलौंजी ऑयल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड, ये कलौंजी ऑयल बनाने के लिए, कलौंजी का तेल बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 टेबलस्पून कलौंजी। इसे हम नाइजीला सीड्स बोलते हैं, ब्लैक सीड्स बोलते हैं, अनियन सीड्स बोलते हैं। फ्रेंड, ये मैंने कलौंजी को मिक्सी में पीस लिया था और एक फाइन पाउडर तैयार किया था। तो आप मिक्सी में पीस लें और काफी फाइन पाउडर तैयार कर लें। और हमको लेना है 1/2 कप कोकोनट ऑयल, आप चाहें तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं। कलौंजी पाउडर को आप जो है कोकोनट ऑयल में डाल दें, सरसों का तेल जो भी आप तेल लेंगे उसमें डाल दें, अच्छे से मिक्स करें ताकि जो भी ऑयल और कलौंजी है वो हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ब्लैक कलर हो गया है कलौंजी से। कि फ्रेंड, हम एक कढ़ाई में या पैन में ये जो हमने ऑयल बनाया था ये डाल देंगे। देखिए फ्रेंड, हमने जो है कलौंजी का तेल ढक दिया है और जो गैस का फ्लेम है वो बहुत ही लो है, और गैस का फ्लेम आपको लो ही रखना है, तेज नहीं करना है, वरना हमारा तेल जल जाएगा। हमको तेल को जलाना नहीं है, हमको सिर्फ कलौंजी और कोकोनट ऑयल को अच्छे से कोकोनट ऑयल में इन्फ्यूज़ करना है ताकि जितने भी कलौंजी के अच्छे गुण हैं वो हमारे ऑयल में आ जाएं। और ये हमें प्रोसीजर 15 से 20 मिनट तक करना है, बिल्कुल गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो रखना है, बहुत ही स्लो रखना है। देखिए फ्रेंड, हमारा बढ़िया सा कलौंजी ऑयल तैयार है, और आप किसी कांच के बर्तन में जो ब्राउन कलर का उसे आप इसमें स्टोर करके रख दें, और आप इसे छाने ना। आप इसे और स्ट्रॉन्गर तेल बनाने के लिए, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग तेल बनाने के लिए आप इसे धूप में रख दें और ढक के आप धूप में रख दें, और जब भी आपको लगाना हो आप छाने, और अपना जितना भी आपको क्वांटिटी आपके बालों के अकॉर्डिंग चाहिए उतना आप तेल छाने इसको, और थोड़ा सा लुकवॉर्म कर लें माइक्रोवेव से या डबल बॉयलर से, और अपने बालों में, अपने स्कैल्प पे, जड़ों पे अच्छे से लगाएं, और अच्छे रूट से लेके एंड तक आप अच्छे से अपने बालों पे अच्छे से मसाज दें। और ये घर पे ही बनाना बहुत इजी होता है, आप घर पे ही बनाएं कलौंजी का तेल। और मिलते हैं किसी नए होम रेमेडी या किसी नए DIY के साथ। टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी स्टे ब्यूटीफुल। बाय बाय।